वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ कमेंट्स के आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी की वजह से आज क्वेन है पार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पर जितने भी हो सके कमेंट्स के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड हो सके उतना पॉसिबिलिटी है कि आंसर दूँ। तो यहाँ पर MPL का टेक का यहाँ पर कमेंट है, वो मोल्टन मैन है, कार्नेज नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने उसको कार्नेज जैसा कहा, कार्नेज जैसा दिखने में दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे कार्नेज का नाम दिया, सॉरी मोल्टन। मोल्टन का फायर दिखने में तो एकदम एंटी सिम्बर्स जैसा लग रहा था, तो ये काफ़ी बेचीदा यानी अजीब बात है। भाई मेरा अकाउंट वापस आ गया, तो यस अच्छा हुआ गूगल से कनेक्ट था, वेरी गुड। हाइड्रोमैन के फ़ोटो के अंदर मिस्ट्रियो का चेहरा दिख रहा है, ओके। तो ये बात मैंने नोटिस नहीं किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। उसके बाद मैंने अपने थॉर को सिटी ऑफ एनर्जी दिया है, क्या सही है? थॉर को सिटी ऑफ एनर्जी देकर थोड़ा सा मेरे ख्याल से लगता है कि मिस्टेक कर दिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दे दिया तो दे दिया। सिटी ऑफ एनर्जी केबल शेरॉन और कुछ ऐसे कैरेक्टर को देना चाहिए जो उसका सही इस्तेमाल कर सके गार्ड बैक इम्यूनिटी के बिना। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स है जिनके पास सुपर आर्मर है, तो उन कैरेक्टर को ये देना सही रहता है, लेकिन जो थॉर जैसे कैरेक्टर है उनको गार्ड बैक की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कैरेक्टर के ऊपर आप लोग ऑब्लिस्क यूज़ कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दूसरे कोई पर्सन अगर आपके जैसा कोई दूसरा सोच रहा होगा कि सिटी ऑफ एनर्जी मैं थॉर को दे दूँ, तो फिर उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सिटी ऑफ एनर्जी सही कैरेक्टर को दो, थॉर को मत दो। थॉर को गार्ड बैक इम्यूनिटी ऑब्लिस्क प्लस लाइटनिंग डैमेज अगर उसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डैमेज ब्लॉक या फिर जो आपको ज़रूरत की चीज़ लगती है वो आप दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो थॉर है उसका यूज़ वर्बोस अल्टीमेट में GBR में और कुछ स्टोरी मिशन में स्पेशल मिशन में किया जा सकता है अच्छा से अच्छा डैमेज प्रॉक देकर। वो चाहे तो कोई चैलेंजेस जैसे 100 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना हो गया, 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है, तो ऐसे जो चैलेंजेस है वो थॉर कंप्लीटली कर सकता है, क्लियर कर सकता है। तो थॉर को सही ऑब्लिस दो, वो अच्छे से अच्छा वर्क करके दिखाएगा। प्रियांशु का भाई का कमेंट है कि भाई इस ये जो अभी स्निक पिक है इसका अपडेट कब आएगा? तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर देता हूँ मैं, 2 या 3 तारीख को आ जाएगा। और भाई ट्रिपल के केला साथ है गेम मार्वल फ्यूचर फाइट को फ्रेंड ऐड करना है। अच्छा ट्रिपल कैसे खेल सकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा ये तरीका जानना है, ठीक है, इस तरीके के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास मेरे मोबाइल में गेम इंस्टॉल नहीं है, तो उसी के रीज़न के वजह से मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन गाइडेंस दे सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा करके भी दिखाना पड़ेगा और शो भी करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा जल्दी, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो देखना और शेयर भी करना, वो जल्द बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। बस मेरा मोबाइल का इशू ठीक होते ही यहाँ पर बैटरी ड्रॉप का दिख रहा है आपको स्क्रीन पे 89% दिख रहा है, तो धीरे धीरे करके 89% से कम होगा, देख लेना 1-1% थोड़े थोड़े देर में, जो कि पहले नहीं होता था लेकिन अभी हो रहा है। कैप्टन मार्वल को Tier 3 करूँ या थॉर को? मेरे ख्याल से दोनों में से किसी एक को करना चाहिए, वो है कैप्टन मार्वल को, क्योंकि कैप्टन मार्वल का Tier 3 काफ़ी अच्छा है, बहुत से लोगों ने देखा है टमना मेटल में, स्टोरी मिशन में, स्पेशल मिशन में, GBR में और वर्ल्ड वॉर सर्टिमेंट में, कई सारे सीरीज में उसका यूज़ किया जा सकता है, तो वहाँ पर वो काफ़ी अच्छी है Tier 3 के साथ, तो उसको Tier 3 करने में काफ़ी ज़्यादा फायदे है। और रही बात थॉर की, थॉर को भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थॉर का भी सेम वैसे ही है, बस इतना फ़र्क इतना है कि वो कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट में शायद जीत नहीं पाएगा और कैप्टन मार्वल उससे थोड़ी पावरफुल है, तो यही रीज़न है। और तो आप अपनी डिसीजन के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से देख लो कि किसको आपको करना है। मैंने तो आपको रीज़न दे दिया, कैप्टन मार्वल कर सकते हो मेरे हिसाब से, और देख लो बाकी अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। ब्रो डोरमामू को 2 बार कैसे जिंदा हो गया? एक बार डोरमामू वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज किया, पर 2 बार मर के 3री बार आकर मुझे मारा। 2 बार नहीं मर सकता हो जहाँ तक मुझे याद है, एक ही, मेरा मतलब ये है कि एक बार मार दिया तो वो रिटर्न करता है,
अब उसके बाद में उसको मार दिया दोबारा, यानी दूसरी बार, सेकंड टाइम, तो वहाँ पर वो दूसरी तीसरी बार नहीं आ सकता। ये डोरमामों का एक ये है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो डोरमामों को दो बार मारना पड़ता है, एक उसकी पूरी तरह से एक फर्स्ट टाइम क्लियर करना पड़ता है। एक बार मर गया तो हमारा कैरेक्टर स्टॉप हो जाता है, और जो सामने वाला ओपोनेंट है 3 से 4 सेकंड वापस में आता है हाफ एचपी के साथ, यानी आधी एचपी के साथ वापस आता है डोरमामू, फिर उसके वापस से उसको मारना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ट्रेनिंग मोड है, इसको करने का थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो डॉक्टर सेन से आराम से डोरमामू को आराम से पटक पटक के धोता था जब अगेंस्ट में आता था, तब उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस मैं यूज़ करता था डोरमामू को अगेंस्ट में स्पाइडी, विकैन, शेरॉन, कैप्टन ने, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, ऐसे ऐसे कैरेक्टर में अजीब अजीब कैरेक्टर यूज़ करता था डोरमामू को हराने के लिए। स्पाइडरमैन को कौन सा CTP दूँ? मेरे ख्याल से आपको मेरी एक वीडियो देखनी चाहिए जिसके अंदर CTP ऑफ पेटियंस है, या फिर CTP ऑफ ट्रांसेंडेंस वाली जो वीडियो है वो जाके आपको देखना चाहिए। तो आपको स्पाइडरमैन को कौन सा CTP देना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, थंबनेल के ऊपर से आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखा करो, क्योंकि थंबनेल में जो दिया होता है वो कभी कभी वीडियो में मैं देता हूँ, कभी कभी हमेशा देता हूँ, तो वो जाके देख लेना, चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर MMA प्लेयर्स, ठीक है, जाके चेकआउट कर लेना। भाई 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 भाई, मैं अभी गेम नहीं खेल रहा हूँ, उस वजह से मैं कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकता जिसे मैं पूरा ना कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी कोई भी वादा नहीं कर सकता कि मैं इसको लूँगा उसको लूँगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो अभी अलायंस में क्लास 1 है वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं, और जहाँ तक उनको ठीक लगेगा वो रिएक्ट करेंगे, तो वो मेरे हाथ में अभी नहीं है, ठीक है। तो जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि गेम में वापस आ जाऊँ, और यह तभी पॉसिबल है जब न्यू होगा। तो न्यू के लिए प्रार्थना करो कि जल्दी मिल जाए। अपडेट कब मिलेगा या अपडेट कब आएगा? 2 या 3 तारीख को आ जाएगा। हर वीडियो में बताया मैंने, फिर भी मिस कर जाते हैं, कोई बात नहीं, डबल बता दिया। उसके बाद में भाई, आफ्टर अपडेट विच सूट बाय स्पाइडरमैन, मुझे अभी पता नहीं है एग्जैक्टली, अभी मैं बता नहीं सकता कि कौन सा सूट यूनिफॉर्म परचेस करना चाहिए। देखो, अभी स्पाइडरमैन का अपडेट आने का है, उसके अपडेट आने के बाद उसका ब्लैक सूट लेना चाहिए कि ब्लैक प्लस रेड वाला सूट लेना चाहिए, ये थोड़ा स्किल्स के ऊपर और डैमेज और परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडिंग करता है कि कौन सा सूट लेना चाहिए। अगर दोनों सूट लेने लायक रहे तो मैं दोनों सूट लेने के लिए कहूँगा। अरे, एक चीज़ मैं भूल गया, मेरे क्रिस्टल और सब कुछ वेस्ट हो गया, एक्समैन के बायोमेट्रिक्स भी गए, क्योंकि गेम में खेल नहीं सकता। तो अरे यार, शिट, ये चीज़ ध्यान में क्यों नहीं आई मेरे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ लाइक शेयर का मैं थैंक यू, एंड सॉरी अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो या कमेंट मैंने नहीं लिया हो तो सॉरी।